तस्वीरें फरीदाबाद भूड कॉलोनी के उस फर्जी अस्पताल की, जहां फर्जी तौर पर गर्भपात करवाने का गोरख धंधा चल रहा था। गर्भपात करने वाली महिला चंद पैसों के लिए गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ कर रही थी, इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर किया। स्वास्थ्य विभाग के SMO हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लंबे समय से इस नकली अस्पताल चलाने की गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों की टीम का गठन करते हुए टीम तैयार की और इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। मेरा नाम डॉक्टर हरजिंदर सिंह है और मैं SMO CSE खेड़ी में हूँ। क्या हुआ आज, क्या सूचना थी और किस तरह कार्रवाई थी? ये काफ़ी दिन से हमारे सिविल सर्जन साहब के पास सूचना आ रही थी कि यहाँ बसेलवा कॉलोनी में एक ये क्लिनिक चला रही है डॉक्टर, जिसका नाम मीना है, और ये अवैध गर्भपात करती है और ना ही इसके पास कोई डिग्री है, और ये सूचना हमें मिल रही थी बार बार। उसके लिए ही फिर एक टीम का गठन कल को किया गया था सिविल सर्जन महोदय द्वारा, 6 तारीख को टीम जो बनी, टीम यहाँ पे एक डिकॉय पेशेंट के साथ आई और उस डिकॉय पेशेंट को हमने नंबरी नोट डाल के दिए और इसको यहाँ पे भेजा, तो इसने उससे डील तय हुई गर्भपात की कि 13,000 रुपये में ये गर्भपात की डील हमारी फाइनल होती है। इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा और कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, और ये अल्ट्रासाउंड करवा के पेशेंट कल अल्ट्रासाउंड करवाया गया इसका, और उसमें पता लगा कि ये लगभग 3 महीने के करीब करीब गर्भपात इसका गर्भ हुआ है, और उसके बाद इसने आज के तारीख यानी कि 7 तारीख को 12:30 बजे बुलाने के लिए बोला कि आप 12:30 बजे आ जाओ। तो कल फिर डिकॉय को हम ले गए और आज सुबह दोबारा डिकॉय टीम गठित की गई और डिकॉय के साथ यहाँ पे हम लोग डिकॉय को भेजा पैसे देकर, और जो भी इनका लेन देन था वो पैसों का हुआ और डिकॉय के साथ इसने अपना इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना अबॉर्शन करना शुरू कर दिया। डिकॉय के साथ एक और उसका साथी शेडो विटनेस के रूप में हम लोगों ने भेजा था, वो बाहर जाके हमको इशारा किया, टीम फटाफट उसी समय अंदर आई और ये इसकी देखने लगी और ये अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह करके अबॉर्शन कर रही थी, और जैसे ही इसने स्टार्ट किया उसी समय की हमारे पास वीडियोस भी बनाई, स्टिंग ऑपरेशन किया और फिर इसको रंगे हाथों हमने अबॉर्शन करते हुए इसको पकड़ा और इससे पैसे रिकवर किए गए, 13,000 रुपये की रिकवरी भी हुई। उसके उपरांत इसके पास इंस्ट्रूमेंट जो गर्भपात के इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी बरामद हुए, और जो गर्भपात के लिए यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं मेसोप्रोस्टोल और मेसोप्रेस्टन जो है वो यूज्ड और अनयूज्ड काफ़ी स्ट्रिप्स इसके पास से वो बरामद हुआ। अब अगर बात इस पर्टिकुलर सेंटर की करें तो इस पर्टिकुलर सेंटर में कमियाँ क्या क्या थी? जैसे ये सेंटर जो है ना तो इसका डॉक्टर जो है वो वैलिड डॉक्टर है और ना ही ये कोई MTP सेंटर है जो रजिस्टर्ड MTP सेंटर है, ये टोटल इलीगल डॉक्टर और इलीगल ही प्लेस और इलीगल गर्भपात हो रहा था। इसका मतलब ये कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़, बिल्कुल जान के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहे थे ये लोग, एक नहीं बार बार लगातार। ये जो टीम थी, हम इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे, ये किसी ना किसी तरीके से इसको इशारा हो जाता था, पता लग जाता था, बच जाता था, परंतु इस बार पूरा सतर्कता के साथ हम लोगों ने काम किया और लगातार 2 दिन से इसके पीछे लगे हुए थे और ये आज उसके अंदर काबू में आया। ये डॉक्टर असली डॉक्टर है या फर्जी डॉक्टर? ये फर्जी डॉक्टर है बिल्कुल। और उसके क्लिनिक, 2 क्लिनिक बताए जा रहे हैं, इसके दूसरा क्लिनिक ये इसका है या इसके घर वाले का है वो इसके अंदर हम लोग अभी जाएंगे इसके बाद, और परंतु इसका जो मेन ये MTP का क्लिनिक है जहाँ पे ये करती है, उसकी सूचना हमें इसी चीज़ की हमें ज़्यादा मिली हुई थी। अब कार्रवाई किस तरह की गई है? कार्रवाई इसके अंदर है कि हमारे पास इस समय ये जो टीम है, टीम गठित की गई थी जिसके अंदर डॉक्टर हरीश आर्य नोडल ऑफिसर है PNDT के, वो हैं इसके अंदर, मैं डॉक्टर राजेंद्र हो गया, डॉक्टर रिंकू फतेहपुर ब्लॉच की हैं, वो पूरी टीम का बना के यहाँ पे आई हुई थी। अब ये सारा स्पॉट मीमो वगैरह हम लोग तैयार करेंगे, FIR इसके अगेंस्ट लॉजिए, पुलिस को हम लोगों ने लोकल पुलिस को इन्वाइट कर लिया, यहाँ पर बुला लिया है, और पूरी कार्रवाई जो है MTP एक्ट और ड्रग एक्ट और जितने भी MCI एक्ट है वो सबके तहत इसकी कार्रवाई होगी। अब से कुछ देर में मतलब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर पति के पास भी कोई डिग्री नहीं है तो क्या वो भी सील किया जाएगा? वो अब देखेंगे इसके पास जाके कि भाई उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, वो सारी इस तरह इसके वो भी कार्रवाई। वहीं जब फर्जी महिला डॉक्टर से बात की गई तो उसने बताया कि उसने केवल 12वीं पास की है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने दूसरे डॉक्टरों के पास काम सीखा है जिसके बाद 6 से 7 साल से वो इस काम को अंजाम दे रही है। नाम क्या आपका? मीना। मीना 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 क्या किया हुआ है आपने? कितने पढ़े लिखे हैं आप? 10+2 की हुई है। डॉक्टरी की है? नहीं सीखा है। किसके पास? डॉक्टर तंसुक के यहाँ भी सीखा था 5-6 साल, उसके बाद डॉक्टर बदबा। ये कोर्स कहाँ से किया आपने, मतलब ये कैसे करना शुरू कर दिया आपने? नहीं ये जो मैडम करती है देख के ही किया है, पर मैं घूम वो नहीं करती, ये तो मेरे पास
एक पेशेंट यही फंसी है मेरे पास जो नहीं वैसे नहीं करती हूँ, दो ढाई महीने तक की सफाई में कर लेती हूँ, ये इससे ऊपर नहीं। तो ये क्लिनिक तुमने बना रखा है, कहीं से भी परमिशन लिया तुमने? कोई कोर्स नहीं किया? नहीं, सीखा हुआ है। कोर्स किया कोई? नहीं। परमिशन भी नहीं है, कोर्स भी नहीं है, फिर ये कैसे करते थे? ऐसे ही। लगता नहीं कि लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे आप? सर अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं कि किसी को कोई खतरा हो या कुछ हो। कितनी एमटीपी कर चुके थे? एमटीपी नहीं करती सर मैं, इसको भी पौने तीन महीने थे, उसको भी 3 कंप्लीट नहीं थे, वो नहीं करती मैं एमटीपी की भी भ्रूण हत्या या 3.5-4 महीने की नहीं करती। कितने टाइम से चल रहा है क्लिनिक? 6-7 साल हो गए इस वाले को तो। 7 सालों से क्लिनिक चला रहे हो? और कहाँ है इसके अलावा क्लिनिक तुम्हारे? दूसरी तरफ है। कितने क्लिनिक है तुम्हारे? 2 ही है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैठते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो ही BEMS की हुई है। कितने पढ़े हैं? 10+ ही है वो। +2 भी नहीं है वो? पता नहीं। 10वीं पास है? हाँ, उन्होंने तो BEMS का किया हुआ है, दिल्ली से किया हुआ है उनका 4.5 साल का कोर्स है उनका। BEMS का कोर्स करने के बाद आप ये सब कुछ कर सकते हो? डॉक्टर साहब ने किया हुआ है। आप कर सकते हैं कुछ ऐसा? नहीं। आपके हस्बैंड BEMS करने के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं? हस्बैंड ही करते हैं। आप ही करते हैं? कितने केस किए तुमने? किसके? अब तक कितने केस किए तुमने जिसे आज पकड़े हो? ये तो ईमेल करती सर, 2-2.5 महीने तक के कर लेते हैं। कितने कर लिए 2-2.5 महीने तक के? याद नहीं है। फिर भी लगभग कर लिए होंगे, ज़्यादा 50 कर लिए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 50 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं आप 7 सालों में? ये वाले नहीं किए, भ्रूण हत्या का नहीं किया, कि भी 3-3.5 महीने का नहीं किया मैंने, जैसे 1.5 महीने के हैं तो। तुम कर सकती हो ये? ऑथराइज हो इसके लिए? नहीं, नहीं। कितने में सौदा हुआ था ये वाला? 13 में। 13? क्या 13? 13,000। अपनी गलती पर अफसोस है? यस। क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों किया? पता नहीं, हो गई सर बस गलती। फर्जी डॉक्टर ने अपना जुर्म को कबूल करते हुए कहा कि वो पैसों को लेकर ये काम करती थी और अपनी गलती मान चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पिछले 6-7 साल फर्जी डॉक्टर मीना अपने काम को अंजाम दे रही थी, क्या इन 7 सालों में CMO या फिर सिविल सर्जन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? कहीं न कहीं इस मामले में सिविल सर्जन और फर्जी डॉक्टरों की मिलीभगत की बू आना लाजमी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।